चलो इस वाले प्रॉब्लम को देखो बच्चों, ये भी एक इलेक्ट्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। इसमें कहते हैं पॉइंट चार्ज Q1 4Q0 प्लस एट ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमने कितना चार्ज रखा। कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहो तो हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बनाना बहुत आसान है। तो ओरिजिन पर हमने रखा, यहाँ पर तुम देखोगे ये ओरिजिन है, यहाँ पर हमने रखा 4Q0 का, ठीक है, और ये इसका नाम Q1 है। अब एनदर चार्ज Q2, अब यहाँ पे ये Q2 है और इस Q2 की जो वैल्यू है वो -Q0 है। इज प्लेस एट x इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से 12 सेंटीमीटर, ये वाली जो चीज़ है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, ये वाली चीज़। तो ये 12 सेंटीमीटर ये वाला चीज़ है, ठीक है। एंड कहता है एक प्रोटॉन यहाँ पे Q0, एक प्रोटॉन मतलब +Q0 यहाँ पे रखा गया, ठीक है, ए चार्ज Q0 यहाँ पे रखे, जो कि ये वाला डिस्टेंस x है। दिस डिस्टेंस इज x। द पोजिशन इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन इज जीरो। मतलब ये भी कंडीशन दिया हुआ है, ये जो प्रोटॉन है सॉरी, इस प्रोटॉन पे नेट फोर्स जीरो हो रहा। अब नेट फोर्स यार खुद की वजह से तो लगाया नहीं है, ये जो प्लस प्लस क्यू 4Q0 है, -Q0 है, यही दोनों तो इसको लगाएंगे। तो पोजिशन ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से हमें ये निकालना है पोजीशन ऑफ दिस प्रोटॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर, तो इसका कैलकुलेशन करो। तो चलो इसको कैलकुलेशन हम करते हैं, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले ये देखो कि इस प्रोटॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये -Q वाला इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, उसका नाम मैं रख देता हूँ F1, और ये +4Q वाला इसको इधर रिपल करेगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ F2। ऑब्वियसली अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो F1 F2 के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होंगे। वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो F1 वेक्टर बराबर होगा -F2 वेक्टर के, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो F1 और F2 के मैग्नीट्यूड। अब F1 और F2 के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो F1 किसके किसके बीच का फोर्स था, के Q0, और ये Q0 ओवर x का स्क्वायर बराबर होगा के Q0, और यहाँ से 4Q0 ओवर 12 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये Q0, ये k ने k को ख़त्म कर दिया, एक Q0, ये Q0 यहाँ से ख़त्म हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इधर बचता है 1/x का होल स्क्वायर, और इधर बनेगा 2/ और 12 प्लस x का होल का स्क्वायर यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से बात करोगे तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 प्लस x, तो x की वैल्यू आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से देखोगे डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 12 प्लस 12, दैट इज 24, दैट इज 24 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। मतलब ये जो खाली जगह थी उसको भरते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये 24 मैं यहाँ भर देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।